और यहां पर बड़ी खबर आ रही है महेंद्रगढ़ से, जहां मरीज की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा हुआ है। सीएमएचओ डॉक्टर सुरेश तिवारी के साथ झूमा झटकी की है। परिजनों का आरोप है कि इलाज के अभाव में मरीज की मौत हुई है। परिजन ने अस्पताल पर पैसे लेने का आरोप भी लगाया है और इसके बाद नाराज परिजन कोतवाली थाने पहुंच गए हैं। पार्षद पप्पू हुसैन थाने में धरने पर बैठ गए हैं। महेंद्रगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परिजनों का आरोप है कि इलाज के अभाव में मौत हुई है परिजन की, मरीज की। सीएमएचओ डॉक्टर सुरेश तिवारी के साथ परिजन ने झूमा झटकी की है। परिजनों का आरोप है कि इलाज के अभाव में मौत हुई है। अस्पताल पर पैसे लेने का आरोप भी लगाया है परिजन ने और इसके बाद वो कोतवाली थाने पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता सतीश गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सतीश, आपसे जानना चाहेंगे अभी क्या वहां पर हालात हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो नारायण प्रतवार नामक व्यक्ति हैं, जो ऑटो चलाने का काम करते थे, उनकी राजनगर में एक पेड़ से ऑटो टकरा गया था, जिसके बाद उन्हें घायल अवस्था में महेंद्रगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। यहाँ पर इलाज में लापरवाही का आरोप परिजन लगा रहे हैं। उनकी मौत हो चुकी है और जब परिजन उन्हें वहां लेकर के पहुंचे तो एक जो वहां पर अर्चना नामक मैडम है उनसे 500 रुपए की मांग की और जो सीएमएचओ है डॉक्टर सुरेश तिवारी, लगातार उनको फोन लगाने के बाद भी वो अस्पताल में नहीं पहुंचे और आखिरकार उनका इलाज नहीं हो सका और उन्होंने दम तोड़ दिया। आप देख सकते हैं महेंद्रगढ़ सिटी कोतवाली में मौजूद हूँ मैं इस समय और यहाँ पे काफी जो है गहमा गहमी है, तमाम यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। डॉक्टर सुरेश तिवारी कोतवाली के अंदर है और मैं आपको दिखा दूं कि ये पूरे जो है यहाँ पे गहमा गहमी, पुलिस तो है और जो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है और लोग नाराजगी जता रहे हैं। हमारे साथ में आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं, उनके परिजन है जिनसे हम बात करेंगे। क्या हुआ था घटना के समय? राजनगर मधुबन क्लब में कलेक्ट्रेट का सामान छोड़ने हमारे भाई साहब गए हुए थे, वहां से कलेक्ट्रेट से सामान छोड़ के वापस आ रहे थे, तो रास्ते पे एक बाइक को बचाते हुए इनकी गाड़ी टर्न हुई और एक पेड़ से जाके टकरा गई। वहां पर इनका लापरवाही किस तरह से हुई? लापरवाही डॉक्टर की लापरवाही से हुई क्या? वहां से इलाज कराने के लिए एम्बुलेंस से यहाँ पर लाया गया, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर पांच मिनट करते करते नहीं आए और अभी रात को 9 बजे आए हैं जब मरीज की हमारे डेथ हो चुकी है। और अस्पताल में आप बताइए क्या मरीज को लाए तो वहाँ पे कोई अटेंडेंट नहीं था, नर्स लोगों ने देखा उसमें से सुई कपड़ा पट्टी जो भी है सब मार्केट से मंगवाया गया, ग्लूकोज की बोतल तक मौजूद नहीं थी। दूसरे डॉक्टर को बार बार इन्फॉर्म कर रहे हैं अभी आ रहा ऑपरेशन में। बिल्कुल सतीश, आप हालात पर नजर बनाए रखिए, आप देखना होगा कि पुलिस इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है, अस्पताल प्रबंधन का क्या इस मसले पर अपनी पक्ष आती है, सीएमओ का क्या कहना है, क्योंकि सीएमओ के साथ झूमा झटकी भी हुई है और वहीं परिजन अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रहा है। देखना होगा क्या कुछ इसमें कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश इस तमाम जानकारी के लिए।